दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और विश करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे अभी तक। और बाहर मत निकलिए, प्लीज मत निकलिए, क्योंकि जो चल रहा है वो बहुत अच्छा नहीं है। मुंबई में सिर्फ मैं रहता हूँ, जहाँ पे वहाँ पे फोर्थ डेथ रजिस्टर हुआ है, चौथा डेथ हुआ है, और मैं विश करता हूँ कि ये सारी चीज़ें जल्दी रुक जाएं। इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग समझदार हो, आपको क्या करना है अच्छी तरह मालूम है। एंड ठीक है, चलिए चलते हैं टॉपिक पे। Redmi Note 9 ये आने वाला है अप्रैल में, एंड इसके कुछ लीक्स ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में कुछ पता चले थे कि ये चिपसेट पे आने वाला है, सारी चीज़ें उसके बारे में बताऊंगा और कोशिश करूंगा मेरी तरफ से, ये सारा प्रेडिक्शन मेरा है खुद का, कुछ चीज़ें पता चली हैं चिपसेट से रिलेटेड, अदरवाइज बाकी सारा प्रेडिक्शन मेरा है। मैं प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ क्या होने वाला है स्मार्टफोन में, ज़्यादा बहुत हाइप नहीं करूँगा। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, अगर 500 लाइक आ गए तो Redmi 9 जो है उसका भी वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर मुझे 500 लाइक मिले इसके ऊपर तो। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन आने वाले हैं Redmi Note 9 में, जो कि मेरे हिसाब से लॉन्च हो सकता है 20 तारीख से 25 अप्रैल के बीच में इंडिया में। देखेंगे जो होगा वैसे आगे बता दूंगा, अभी चलते हैं फिलहाल स्पेसिफिकेशन की तरफ। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे मालूम है इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया है, और ये स्मार्टफोन जो है ना, ये जैसे मैंने कहा कि अप्रैल 28 से अप्रैल 25 के बीच में आएगा, और जो नार्जो 10 है ना उसको बीट करने के लिए आएगा, कम्पीट करने नहीं, उसको बीट करने आएगा, लिटरली बीट करने। जैसे आपको मालूम है रियलमी 5 आया था तो उसको बीट करने रेडमी नोट 8 आया हुआ था 10,000 की प्राइस में, एंड काफ़ी धमाकेदार स्पेसिफिकेशन दिया था। अब चलते हैं बाकी स्पेसिफिकेशन की तरफ, और ये स्मार्टफोन आने वाला है आपको 6.5 से 6.7 इंच के बीच में इसका डिस्प्ले का साइज होगा, जो कि फुल एचडी प्लस का होगा। ध्यान देना, नार्जो 10 में आपको एचडी प्लस मिलने वाला है। देन उसके बाद रियर साइड पे और फ्रंट साइड दोनों साइड आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलेगा, ज्यादा चांसेस है आपको पंच होल मिल जाए इसमें, अच्छी चीज है। एंड रियर साइड पे नहीं, इस बार साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल सकता है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी चीज होगी। क्वाड कैमरा का सेटअप होगा, लेकिन जैसा Redmi Note 9 Pro में शायद ऐसा ना हो, आपको वर्टिकल मिले। तो यही सारी चीजें होंगी, देखने में भी अच्छा लगेगा, Redmi की ब्रांडिंग होगी एंड सारी चीजें होंगी। मेरे हिसाब से डिजाइन और डिस्प्ले यही होने वाला है, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो कि आपके हिसाब से डिजाइन और डिस्प्ले कैसा होगा। दोस्तों उसके बाद बात करते हैं चिपसेट पे, तो इसमें मीडियाटेक का G80 का चिपसेट आएगा, अच्छी चीज है, लेकिन बाकी सारी चीजों के साथ ये बहुत अच्छा हो जाता है। G80 का चिपसेट ऑक्टाकोर है, 12nm पे बेस्ड है, यानी बैटरी एफिशिएंसी थोड़ा सा इशू कर सकती है, अदरवाइज बाकी सारी चीजें कमाल की हैं। परफॉर्मेंस और गेमिंग के लिए बीस्ट होने वाला जिस प्राइस में आने वाला है। चलो G80 है, ऑक्टाकोर है, जिसमें से 2 कोर 2 GHz पे क्लॉक्ड हैं, बाकी 6 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक्ड हैं, कोर्टेक्स A75 और A55 वाले कोर्स हैं, यानी नए हैं एंड पावरफुल भी हैं, सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। माली G52 का GPU है, यानी गेमिंग ग्राफिक्स मक्खन की तरह चलेगा। स्कोर आपको मालूम है 2 लाख से लेकर 2,10,000 के बीच में आता है, यानी स्नैपड्रैगन 712 जो है उस टाइप का आपको परफॉर्मेंस में मिल जाएगा, लेकिन गेमिंग शायद उससे भी अच्छी मिल जाए। चलो कोई बात नहीं है, एंड्रॉइड 10 के ऊपर आएगा, जो कि MIUI 11 के ऊपर आएगा, तो बाकी सारी चीज़ें ठीक होंगी। परफॉर्मेंस के लेवल में कहूंगा अप टू द मार्क होने वाला है जिस प्राइस पे आएगा दोस्तों। अब बात कर लें कैमरा सेगमेंट की, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा रियर साइड पे आएगा, जो कि वर्टिकल होगा, एंड साइड में आपको फ्लैश भी दिख सकता है, जो कि 48+8+2+2 वाला होगा, वही जो Redmi Note 8 में आया था, सेम वही इसमें भी होगा। एंड F1.8 का अपर्चर होगा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, बुके पैनोरामा HDR सब कुछ मिल जाएगा, कैमरा डिपार्टमेंट अप टू द मार्क होगा। फ्रंट साइड में आओगे तो वहां पे आपको 13 या 16 MP का कैमरा मिलेगा, जो कि पंच होल में होने वाला है। अपाचर उसका भी F1.8 का होगा, एंड 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो वहाँ से, वहाँ से भी बुके पैनोरामा HDR सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन फ्रंट साइड में आपको फ्लैश नहीं मिलेगा, नोटिफिकेशन लाइट शायद मिल जाए, लेकिन यहाँ पे फ्लैश नहीं होगा। मेरे हिसाब से कैमरा यही होने वाले हैं, देखते हैं रेडमी क्या लेकर आता है दोस्तों। अब आते हैं बैटरी में, तो लीगसी कंटिन्यू होगी, जैसे बाकी दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी मिली है, यहाँ भी आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। उसके साथ 18W का चार्जर होगा और टाइप सी का पोर्ट होगा, यानी बैटरी धमाकेदार होगी। प्राइस के हिसाब से 18W का चार्जर सही है, जिस प्राइस में आने वाला है बेस वेरिएंट जो होगा, उस प्राइस के हिसाब से 18W का चार्जर मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा दोस्तों। अब आते हैं सेंसर्स की तरफ, सेंसर सारे मिल जाने वाले हैं, सेंसर्स में कोई इशू नहीं होगा आपको। रियर साइड पे नहीं, इस बार साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है मेरे हिसाब से, जहां तक मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, देन उसके साथ साथ फेस अनलॉक भी हो जाएगा, बाकी सारे प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक्सेलेरोमीटर, एम्बेडेड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, कंपास वंपास सब मिल जाएंगे, एंड बाकी जो आता है इसका आयर ब्लास्टर वो एक्स्ट्रा होगा, उसके साथ वाइड वाइन L1 का सपोर्ट शायद थोड़ा वो इशू हो, देखेंगे, वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन कैमरा 2 API इसमें आपको मिल जाएगा दोस्तों। बात करें स्लॉट वेरिएंट और प्राइसिंग की, तो यहाँ पे भी आपको डेडिकेट स्लॉट आने वाला है, अच्छी चीज़ है। अब आते हैं मेन पॉइंट की, वेरिएंट और प्राइसिंग क्या होगा।
जैसे आपने देखा होगा कि Redmi Note 9 Pro जो है उसमें थोड़ा सा बैकवर्ड स्टेप लिया इन लोगों ने। पहले Redmi Note 8 Pro में 6GB आया था बेस वेरिएंट, लेकिन Redmi Note 9 Pro में 4GB किया इन लोगों ने और प्राइस भी कम की है। तो इस बार मुझे लगता है ना कि जो Redmi Note 8 में 4GB से शुरू किया था वहाँ पे भी एक बैकवर्ड स्टेप होगा और प्राइस भी थोड़ी कम होगी। 3GB 32GB से शुरू होगा जिसकी प्राइस मेरे हिसाब से 9000 या 10000 हो सकती है, जो हो देखा जाएगा, क्योंकि अभी Redmi Note 8 का प्राइस 10500 रुपये है। उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुझे लगता है 3GB 32GB से शुरू होगा जो 9000 या 10000 का होगा, फिर 4GB 64GB आएगा जो कि 11000 या 12000 का होगा। अब इसके बीच में अगर 3GB 64GB का एक एक्स्ट्रा वेरिएंट आ गया तो वो मेरे हिसाब से कुछ नया कर सकते हैं, अदरवाइज देखने वाली बात होगी। लेकिन एक चीज़ है कि इस बार एक बैकवर्ड स्टेप फिर लेंगे, 3GB 32GB वाला जो मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट होगा जिसकी प्राइस 9000 या फिर 10000 होने वाली है दोस्तों। तो Redmi Note 9 ये मेरे हिसाब से होगा आपको 6.5 से 6.7 इंच का फुल HD प्लस का IPS का पैनल मिलने वाला है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर और पंच होल डिस्प्ले के साथ, अच्छी चीज है। क्वाड कैमरा रियर साइड पे होगा, 48+8+2+2 वाला MediaTek का G80 का चिपसेट आने वाला है, 5000mAh की बैटरी, 18 वाट का चार्जर, डेडिकेटेड स्लॉट, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। स्मार्टफोन अच्छा होगा, जैसे मैंने कहा 28 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में लॉन्च हो सकता है, 20 से 25 अप्रैल के बीच में, देखेंगे जैसे आएगा उसके बारे में बता देंगे। मैंने जैसे कहा वीडियो पे अगर 500 लाइक्स आए तो मैं Redmi 9 की भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आपको कैसे लगे स्पेसिफिकेशन, आपके हिसाब से क्या होंगे कमेंट्स के में लिख के बता दीजिए। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिए, मुझे बताया कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस है जिन्हें चेक कर सकते हो, मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखोगे तो वेक्टर में जिस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।